तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ही कमाल की एक ऐप के अपडेट के बारे में, जिससे आप अपने सैमसंग गैलेक्सी का जो कीबोर्ड होता है ना, उसको कस्टमाइज कर सकते हैं और बहुत ही अच्छे लेवल का कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। तो उसी ऐप के अंदर एक नया अपडेट आया, नया ब्रिस्कट क्या नए चेंजेस किए गए और एक्चुअल में उस ऐप को कैसे यूज करते हैं, सब आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिस में बेल आइकन दबा दो, ताकि ऐसी नई अपडेट आपको सबसे पहले मिले और हो सके मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक फॉलो कर लेना। चलते हैं दोस्तों आगे। मेरा नाम सनी और आपका स्वागत है मेरे चैनल एसेट टेक में। तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप। तो दोस्तों, जैसा कि बताया, मैं आपको बताने वाला हूँ की कैफे के नए अपडेट के बारे में। तो उसके लिए जाना है आपको अपने मोबाइल के गैलेक्सी स्टोर में। गैलेक्सी स्टोर जाने के बाद आपको जाना है अपडेट्स वाले सेक्शन पे। अपडेट वाले सेक्शन पे जाके देखेंगे तो आपको दिखेगा एक नया अपडेट यहाँ पर अवेलेबल मिल रहा होगा। अब मैं आपको यहाँ से नीचे की तरफ लेके चलूँ तो आप देखेंगे इस अपडेट को रोल आउट किया गया 22 अप्रैल 2024 को। इसका वर्जन नंबर है 1.61.01.10, जिसका 40 MB का ये साइज़ है। हर बार एक ही चीज़ कहता हूँ, मिड रेंज में लेट आता है, फर्स्ट में पहले आ जाता है। अब ये ऐप काम क्या करती है, ये ऐप का काम है अपने सैमसंग गैलेक्सी में जो कीबोर्ड होता है ना, उसको डिज़ाइन करने का काम करती है। बहुत ही अच्छे से आप इसके अंदर की कैफे को डिज़ाइन, मतलब अपने कीबोर्ड को डिज़ाइन कर सकते हैं। यहाँ पर इस अपडेट में क्या दिया गया है, थीम ऑप्टिमाइजेशन फॉर OneUI 6.1, मतलब 6.1.1 में सपोर्ट दे दिया गया अच्छा सा, और कुछ नए फीचर, कुछ इनहांस, कुछ परफॉर्मेंस, कुछ सिक्योरिटी इंप्रूवमेंट भी किए गए होंगे और कुछ ओवरऑल फीचर भी एड ऑन किया गया होगा। इसमें आप बहुत कुछ कर सकते हैं इस ऐप में, जो कि बहुत ही शानदार है। पहले तो मैं इसको कर लेता हूँ इंस्टॉल, फिर मैं आपको बताता हूँ एक एक चीज़ आप इस ऐप में क्या कर सकते हैं, टोटल ब्रीफिंग दूंगा। जैसे कि हो चुका है डाउनलोड, डाउनलोड अपडेट करने के बाद आपको कर लेना है इसको ओपन। ओपन करने के बाद मैं फर्स्ट स्टेप से आपको पूरा बताता हूँ। सबसे पहले आएगा मेक योर ओन कीबोर्ड में। आप यहाँ पर कीबोर्ड बनाना चाहते हैं तो कैसा बनाना चाहते हैं, सिंपल कीबोर्ड बनाना चाहते हैं तो सिंपल कीबोर्ड ऐसा रहता है, ठीक है। आप सिंपल कीबोर्ड ऐसा, इंग्लिश के लिए आप सैम्पल वाला कीबोर्ड बनाना चाहते हैं, कैसा बनाना चाहते हैं आप यहाँ पर चूज़ कर लो। जैसा कि मैथमेटिक विथ कैलकुलेटर, जौन सा भी आपको बनाना है उसको सेलेक्ट कर लिया, जैसे कि मैंने ये वाला सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद मैं आ गया स्टाइल योर ओन कीबोर्ड में। अब मेरे को मेरे स्टाइल कीबोर्ड का स्टाइल कैसा चाहिए, जैसा कि मेरा अभी कीबोर्ड ऐसा दिख रहा है, अब मुझे उसका स्टाइल कैसा चाहिए, मुझे अपने कीबोर्ड का स्टाइल कैसा चाहिए। तो मैंने यहाँ पर इसको ऑन करा, ऑन करने के बाद जैसा मुझे स्टाइल चाहिए मैंने उस स्टाइल को सेलेक्ट करा एंड देन अप्लाई पे क्लिक कर दिया। या तो आप डायरेक्टली सैमसंग थीम ऐप से भी एक थीम को क्रिएट कर सकते हैं स्पेशल इसके लिए। अब मैंने ये बना लिया है और यहाँ प्लस पे क्लिक करके आप अपने यहाँ थीम को भी यहाँ पर क्रिएट कर पाएंगे, ठीक है। अब ये बना लिया है मैंने, आपको ये दिखेगा ऐसा, ये बनता हुआ दिख रहा है। अब ये आपको दिख रहा होगा जब मैं इसको टाइप कर रहा हूँ तो इसमें कुछ इफेक्ट्स से आ रहे हैं और ये कुछ कलर्स भी चेंजेस हो रहे हैं, तो ये कलर्स वो दिख रहे होंगे। ये सब आपको इसी के अंदर एडिट करने के ऑप्शन मिलेंगे। जैसे कि मैंने सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद मैं आ गया इफेक्ट्स में। अब मुझे इफेक्ट कैसा चाहिए, मैंने ये वाला इफेक्ट चेंज करा हुआ है, आपको कौन सा इफेक्ट चाहिए वो चूज़ कर लेना है। जौन सा भी इफेक्ट आपको चाहिए उसको इफेक्ट को आपको चूज़ करिए। जैसे मैंने ये वाला चूज़ करा, अब मैं यहाँ पर आऊँगा तो वो इफेक्ट्स वहाँ पर आपको दिख रहा होगा, वो इफेक्ट्स ऐसा ऐसा चलता हुआ आपको दिख रहा होगा। इफेक्ट्स आ गया यहाँ पर, आप चाहें तो इफेक्ट्स का कलर को भी चेंज करना चाहें तो आप कलर भी चेंज कर सकते हैं कि कैसा कलर दिखेगा। आप देख रहे होंगे हर बार एक नया कलर वो आपको दिख रहा होगा इस तरीके से। ऐसे यहाँ पर एक पंजा सा दिख रहा है, आप उसको ये भी चेंज कर सकते हैं कि इसके अलावा ये क्या दिखे। कुछ अपना स्टिकर डाल सकते हैं, गैलरी से भी कुछ डाल सकते हैं। जैसे कि गैलरी में गया, जैसे मैं गैलरी में गया, गैलरी में जाने के बाद मैंने अपनी एक कोई फ़ोटो को चूज़ कर लिया और उसको डन कर दिया, और जब भी मैं अब टाइप करूँगा तो मेरी फ़ोटो वो दिखाएगा। आप देख सकते हैं, आप हल्का लाइट से देखेंगे तो वो फ़ोटो आपको दिख रही होगी और ऊपर भी आपको दिख रही है इस तरीके से। वो फ़ोटो आपको जब भी जहाँ जहाँ मैं टाइप करूँगा वहाँ मेरी फ़ोटो ऑटोमेटिक आपको दिख रही होगी। तो ये भी कस्टमाइजेशन में आता है। उसके बाद आता है साउंड वाला ऑप्शन। आप इसमें 6 साउंड हैं, आपको जौन सा साउंड चाहिए आप उस साउंड को चूज़ कर लो और उस साउंड को अप्लाई कर सकते हैं और वो साउंड आपको वहाँ पर दिखाई देगा, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद आता है स्टिकर, आप अपने स्टिकर को भी डिज़ाइन कर सकते हैं। यहाँ प्लस में जाएंगे जो, यहाँ पर आप अपने स्टिकर को भी डिज़ाइन कर सकते हैं जिसको इजीली कहीं भी सेंड आउट कर पाएंगे। उसके अलावा आप कीबोर्ड तब प्ले करते हैं, मतलब गेम प्ले करते हैं, तो उसके लिए आप अपने कीबोर्ड को भी कस्टमाइजेशन कर सकते हैं स्पेशल के लिए कि कैसा कस्टमाइज हो और कैसा वो काम करे। तो यहाँ पर आप जाके देख सकते हैं, यहाँ पर आप जाएंगे सेंटेंस प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। यहाँ पर अपना नाम डालो, लाइक ऐसा अपने, जैसा कि आपने सिस्टम में टाइपिंग प्रैक्टिस का एक गेम आता था ना, सेम उसी की तरह आप यहाँ पर यूज़ कर पाएंगे। यहाँ पर आपको टाइप करने का टाइप दे रहा है कि आप कितनी जल्दी इसको टाइप कर सकते हैं, कितनी एक्यूरेसी है, तो ये आप पूरा यहाँ पर चेक करके अपना आपको सीख सकते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर दी गई है। इसके अलावा नीचे की तरफ आएंगे, आपको दिया गया एडवांस कीबोर्ड सेटिंग में, यहाँ पर लॉन्ग स्पेस बार में आप वाइल यू आर टाइपिंग हाई .com/
कीज व्हाइल यू आर टाइपिंग। जब भी आप टाइपिंग कर रहे हो आप लॉन्ग स्पेस बार को करेंगे तो वो आपको डॉट कॉम को हटा देगा। ऑटो रिप्लेसमेंट सेंसिटिव, एडजस्ट ऑटो रिप्लेसमेंट सेंसिटिव, कोई सेंसिटिव वर्ड आप यूज़ करोगे तो ऑटोमेटिक उसको रिप्लेस कर दे, अगर आप उसको ऑन कर देंगे तो ऑटोमेटिक उसको रिप्लेस कर देगा। टर्न ऑफ डिलीज एक्लिकर, डू नॉट यूज़ एक्सीलरेशन डिलीटेशन, जब गलती से कोई डिलीट हो जाता है ना तो आप इसको ऑन कर देंगे तो ऑटोमेटिक गलती से कोई डिलीट नहीं होगा, वो ऑटोमेटिक बच्चा सेफ रहेगा। और डबल टैप टू इंटरवल ऑफ 3x कीवर्ड, तो जब भी डबल टैप करेंगे तो आप 3x4 में आप उसको कीवर्ड को कन्वर्ट कर सकते हैं। और यूज स्टिकर सजेशन इन लार्ज व्यू, तो आपको लार्ज व्यू में स्टिकर का सजेशन चाहिए या नहीं चाहिए वो आप यहाँ से ऐड ऑन कर सकते हैं। ओवरऑल ये बहुत शानदार ऐप है यार, आप उसको अपडेट करके यूज़ करें। और एक एक चीज़ मैंने आपको बताई दी है ब्रीफिंग के साथ, आप एक बार जरूर इसको यूज़ करना हो, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये ऐप कैसी लगी और कैसे आप अपने कीवर्ड को कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, ऐसी नई अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक जरूर करें, और आपको लगता है कुछ कमी है मेरी वीडियो में तो मैं डिसलाइक कर सकते हैं, या फिर अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इस वीडियो रिलेटेड या कुछ भी, आप डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम फेसबुक पर डीएम करके भी पूछ सकते हैं। सबसे जरूरी चीज़, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दो ताकि ऐसी नई अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे, और हो सके मेरे व्हाट्सअप के मेरे चैनल पर फॉलो कर लेना ताकि आपको अपडेट फटाफट मिल सके। तो थैंक यू सो मच।